हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी नेकलाइन बनाने सिखाऊंगी, जो कि मैंने बहुत ही बेसिक स्टिचेस से रेडी की है। काउचिंग है, विप्ड बैक स्टिच है, हेरिंग बोन स्टिच है, स्ट्रेट स्टिच है, जो कि आप इजीली बना सकेंगे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करना और इसको बनाना सिखाऊंगी। देखिए, अगर आप फ्री हैंड से नहीं ड्रॉ कर सकते तो आप ग्राफ पेपर की मदद ले सकती हैं। तो जैसे कि मैंने ये स्क्वेयर बनाया है, ये देखिए, इसमें ग्राफ में ऑलरेडी स्क्वेयर्स बने होते हैं, तो मैंने इनका ये 9 का स्क्वेयर बना लिया है और ये आउटलाइनिंग है। सिर्फ इतना ड्रॉ किया है, उसके बाद ये जो ऊपर की स्टिचेस हैं ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये खुद करे हैं। और ऐसे ही हम ये जो नेकलाइन है इस पर भी हम इसी तरीके से ग्राफ पेपर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन गोलाइयाँ जो हैं वो आपको खुद बनानी पड़ेंगी। मोटिफ को ड्रॉ करने के लिए हम यूं कपड़े को पहले फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम नीचे इसके कार्बन शीट लगा लेते हैं और सबसे पहले हम पेन की मदद से ये लाइन, नेकलाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद हम कुछ अपना जितना डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप उसके बाद आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। और उन लाइन्स पे हम सबसे पहले हम इस लाइन से एम्ब्रॉयडरी शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे हमें सेकंड लाइन का पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इसको बनाना है। और ये जो मोटिव्स हैं ये हमने ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस के मदद से, पेन की मदद से हमने इनको ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरीके से ये साथ साथ हम जिगजैग जो है वो भी हम पेन की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हम नीचे कार्बन शीट रखते हैं। इसी तरीके से हम ये वाला मोटिफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। चाहे तो आप फुल मोटिफ रख के ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, चाहे तो आप इसको फोल्ड करके भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको पता लग जाएगा कि ये फ्री हैंड से कैसे किया जाता है। मैं इस एम्ब्रॉयडरी के लिए एंकर के थ्रेड यूज करती हूँ और ये थ्रेड जो है मैं 6x6 स्ट्रैंड यूज करती हूँ। ये मैंने बहुत वाइब्रेंट कलर लिए हैं ताकि जो इफेक्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल आए और बहुत अच्छी लुक दे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये सबसे पहले बैक स्टिच किया है। मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन जैसे मैंने फर्स्ट बनाई थी तो इसको मैंने पहले बैक स्टिच किया था। बैक स्टिच को हमने विपिंग करनी है, तो हम सबसे पहले जहां पे हमारा निशान लगा है लाइन का, वहां पे हम बैक स्टिच करेंगे। बैक स्टिच मशीनी टांके को बोलते हैं, जो कि पीछे से आगे को जाते हैं। इसमें स्टिच बराबर लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। स्टिचेस थोड़े बड़े लेंगे ताकि, चूंकि हमें बाद में इसको विपिंग भी करनी है, इसको ले स्टिच बनाना है, तो इस तरीके से हम बैक स्टिच करते हुए पूरी लाइन कवर कर लेंगे। हम इक्वल डिस्टेंस पे एक और बैक स्टिच से लाइन बनाएंगे, दोनों को हम विप करेंगे। कोशिश करें कि आपके स्टिचेस जो हैं वो बराबर हों और डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे। अगर तो आपने निशान लगाया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप निशान के ऊपर ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपने निशान नहीं लगाया तो आप इसको कोशिश करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे ही स्टिचेस लिए जाएं। तो इस तरीके से हम दो लाइंस जो हैं वो बैक स्टिच से बना लेंगे। इसी तरीके से मैंने ये दो लाइंस बनाई हैं और कुछ डिस्टेंस पे मैंने ये दोबारा दो लाइंस बनाई हैं। हम बैक स्टिच को दो तरीके से विपिंग कर सकते हैं। एक तो मैंने ये ग्रीन कलर का जो थ्रेड है ये देखिए, हम इसको हर स्टिच को ऐसे सिंपली उठाएंगे, तो ये जो थ्रेड है ग्रीन कलर का ये बैक स्टिच पे रैप हो जाएगा, तो इसको विपिंग बोलते हैं या लेस्ड बैक स्टिच। तो इस तरीके से ये बहुत ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देता है। सिर्फ आपने हर स्टिच को एक ही साइड से उठाते जाना है और थ्रेड को
हल्के हाथों से खींचना है, बहुत जोर से भी नहीं खींचना और ढीला भी नहीं रखना। तो ये देखिए कुछ, ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देता है। अब ये जो सेकंड हमारा बैक स्टिच है, इसको हम एक साइड से नहीं करेंगे, दो साइड से करेंगे। एक बारी हम इस तरफ से उठाएंगे स्टिच को और हल्के हाथों से खींचेंगे और एक बारी इस तरफ से ऐसे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट देता है। बस आपने इसको बहुत जोर से नहीं खींचना, हल्के हाथों से खींचना है ताकि ये जो लेस धागा इधर उधर हो रहा है, ये उसका इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे, जिगजैग सा इफेक्ट आ रहा है। तो ये देखें, ये इफेक्ट जो है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो ये दो लाइंस और ये दो लाइंस, ये इसी तरीके से वर्क की गई है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये काउचिंग कैसे करी है। हमने काउचिंग दो कलर से करी है। ये दोनों कलर्स हम यहां पे गांठ लगा लेंगे और यहां पे इसको ऐसे इस लाइन के बीच में रख लेंगे ऐसे। और ये टकिंग जो है वो हमने व्हाइट कलर से की है। हमने हर जगह सिक्स स्टैंड ही यूज करी है। तो हम ऐसे यहां पे इसको टक कर लेंगे, ऐसे रखेंगे हम इस थ्रेड को और व्हाइट कलर से इसको टक कर लेंगे इस तरीके से। बस अब हम इसको रेगुलर इंटरवल्स पे टकिंग करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे टकिंग हो। ये देखिए, बस इसको आपने सेंटर में रखना है और इस तरफ आपने इसको ऐसे टक कर देना है ऐसे। फिर आपने दोबारा से स्टिच को इधर निकालना है, ये सेंटर में ही पड़ा रहेगा और इसको यहां पे ऐसे दूसरी साइड से टकिंग कर। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। मैंने ये दो लाइंस इसी तरीके से वर्क करी हैं। ये लाइन पहले मैंने काउचिंग करी, सॉरी बैक स्टिच किया, यहां भी बैक स्टिच किया, यहां भी बैक स्टिच, यहां भी बैक स्टिच, दोनों में व्हिपिंग करी डिफरेंट स्टाइल से, यहां इधर एक साइड से, इधर डबल से, दोनों साइड से। तो ये हमारी दो लाइन क्रिएट होगी। तो इसी तरीके से हमने ये पूरी राउंड जो है नेक लाइन का, दो लाइंस में ऐसे ही बना लेना है। उसके बनाने के बाद हमारे पास ये गैप जो दिख रहा है, ये जो गैप हमारे पास आ गया है, हमने इस गैप को इक्वल डिस्टेंस में पेन की मदद से निशान लगा लेने हैं। अब इन जो हमारे निशान लगाए हुए हैं, इनमें हमने सब में हेरिंग बोन से इतने इतने डिस्टेंस पे हमने हर एक कलर जो है वो फिल करना है। जब हमारे सारे कलर्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद हम इनमें ये स्ट्रेट स्टिच की मदद से व्हाइट कलर से इसको हाशिया देंगे, इसको आउटलाइनिंग देंगे, तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो अब मैं आपको कोचिंग के बाद ये फिलिंग जो है वो सिखाऊंगी कि किस तरह से की गई। ये देखिए, ये कोचिंग पूरी कंप्लीट हो गई दोनों साइड्स पे। तो अब हम ये जो स्केयर्स हैं ये बनाएंगे। इनको किस तरीके से बनाना है, हमने सिक्स कलर्स डिसाइड कर लिए हैं। जैसे ये मैंने ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो है इसके बाद हमने ऑरेंज कलर लगाना है, तो ये मैंने ऑरेंज कलर थ्रेड में सुई में डाल लिया। तो इसको हम हेरिंग बोन करेंगे। हेरिंग बोन दोनों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हैं और नीचे की तरफ आते जाते हैं। आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें मैंने स्पेशली सिर्फ हेरिंग बोन के बारे में ही सिखाया है। दोनों तरफ लाइन के साथ साथ छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे, पहले इस तरफ फिर नीचे की तरफ।
बिल्कुल क्लोजली वर्क करेंगे ताकि नीचे का कपड़ा दिखाई ना दे। हम 6th strand यूज़ कर रहे हैं, प्रेसिंग पे आप कपड़ा ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाता है। तो आपने एम्ब्रॉयडरी करने के बाद प्रेसिंग जरूर करनी है, प्रेसिंग से एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग जो है वो उभर कर सामने आती है। तो आप इस तरीके से ये कलर फिल कर लेंगे। निशान मैंने आपको बता ही दिया था कि आपने पेन की मदद से निशान लगा लेने हैं, या फिर आपने ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेना है और उसको शर्ट पे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा स्पेस जो है वो फिनिश हो गया। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे, वो भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो यूँ हमने सेकेंड कलर भी फिनिश कर लिया। इसी तरीके से हम ये सारी स्पेसेस जो हैं वो अल्टरनेट कलर्स के साथ भरते चले जाएंगे। तो ये देखिए जब ये पूरे ब्लॉक्स बनके फिल हो जाएंगे, ये हम हर एक कलर के बना के यहाँ तक हमने पूरी जो हमारा गैप था उसको हमने फिल कर लिया है। अब इन जो जो हमने कलर्स भरे हैं इनको हमने डिमार्केट करना है। तो इनको डिमार्केशन देने के लिए हम वाइट थ्रेड से स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे दो कलर्स को अलग करने के लिए। उससे ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगाना है और कुछ नहीं करना आपने ऐसे। हर एक दो कलर्स के बीच में हमने स्ट्रेट स्टिच लगा देना है ऐसे। तो उसको उससे उन कलर्स को आउटलाइनिंग मिल जाएगी और वो ज्यादा उभर के सामने आएगा। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। तो ये देखें ये हमारा बनके रेडी हो गया। अब हम ये फ्रिंज बनाएंगे। ये फ्रिंज आप पेन के साथ आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल एक जैसे बने, या फिर आप जैसा कि आप मैंने आपको ग्राफ पे बनाना सिखाया है उस तरीके से ग्राफ पे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्री हैंड से बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए आप जैसे ऐसे करके थ्रेड रखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि आपने कहाँ पे टकिंग करनी, और इधर से गैप को भी मेंटेन करना है। और इसको ये स्ट्रेट स्टिचेज हैं, बस इसी तरीके से आपने ये पूरी फ्रिंज जो है वो बना लेनी है। इसमें हमने आउटलाइनिंग पहले करनी है और फिलिंग बाद में करनी है। तो इसी तरीके से ये पूरी रो हमने बना लेनी। जब ये पूरी फ्रिंज बन जाएगी उसके बाद हम ये जो स्पेसेस हैं इनको हम हेरिंग बोन के साथ फिल करेंगे, सेम उसी मेथड से जैसे हमने ये ऑलरेडी स्केयर्स बनाए हैं। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, एक स्टिच छोटा सा इधर और एक इस लाइन पे इस तरफ। बी की शेप में हम नीचे को आएंगे, जैसे आउटलाइनिंग है उसी तरीके से हम स्टिचेस लेंगे। दोनों तरफ वर्क करते हुए हम ये टॉप तक इसको फिल कर देंगे ऐसे। फिल करने के बाद हम इसी थ्रेड के साथ यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिच के साथ वी बनाएंगे।
पहले हम स्ट्रेट स्टिच लेंगे, ये देखिए स्ट्रेट स्टिच, फिर हम साइड से ऐसे वी बनाएंगे, थ्रेड को आगे करके इसके बेस पे एक स्टिच लेंगे ऐसे, और थ्रेड को आगे रखेंगे ऐसे, और ये ऐसे त्रिशूल की तरह स्टिच बन जाए। ये क्रॉस स्टिच है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो ये देखिए जिस तरीके से ये फिल किया है मैंने, इसी तरीके से अब मैं सारे कलर्स फिल करूंगी। 6 कलर्स हैं, डार्क ऑरेंज भरा है, अब ग्रीन की टर्न है। ऐसे ही मैं भरते हुए ये पूरी फ्रिंज जो है हेरिंग बोन और स्ट्रेट स्टिच के साथ फिल कर दूंगी। तो देखिए ये जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बनता है और बहुत ईजी बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि 6 स्टैंड से हम वर्क करते हैं तो ये बहुत जल्दी वर्क होता है। तो अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।